अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम अस्सलाम। बुलाया आपने मुझे? हाँ मैंने बुलाया था, बस क्या बताऊँ, ये शबराता नना इसने मेरा जीना हराम किया हुआ है, वो मुझे इस मोहल्ले में नहीं रहने देगी। क्यों? अरे बड़ी लंबी कहानी है, लेकिन बात इतनी सी है, इस मोहल्ले से मेरा दाना पानी उठ गया है, इसलिए जा रही हूँ इस मोहल्ले से मैं। लेकिन खाला मेरे काम का क्या होगा? भाई तुम्हारा काम ना मेरे बस का नहीं है, कोई अच्छा रिश्ता नहीं है, और वैसे भी मोहल्ले में इतनी बदनामी हो गई है, अगर कुछ उलट सीध हो गया तो तुम भी मेरे गले पड़ोगे। नहीं नहीं खाला, ऐसा कुछ नहीं हूँ, मैं नायला की वजह से पहले ही बहुत परेशान। खाला मैं हाथ जोड़ता हूँ आपके आगे, खुदा के लिए कोई भी रिश्ता हो मुझे बता दे, मैं जल्द से जल्द बस इस जिम्मेदारी को सर से हटाना चाहता हूँ। अच्छा एक रिश्ता है, मगर पहले देख लेना, बाद में वावेला मत मचाना, जैसा तुम्हारा घर है ना वैसे ही रिश्ता है। जी जी खाला बिल्कुल ठीक है, बस आप फौरन से उन लोगों को मेरे घर भेज दें। पर जिम्मेदारी तुम्हारी होगी, मेरी नहीं होगी, मैं वैसे ही बहुत तंग हूँ इस मोहल्ले वालों से। भाई बोलो। कौन? मैं हूँ। आ गया तू? तो जाहिद है ना, ये फिर उस रोटन शमशाद से बात कर रहा है। अरे छोड़ ना, तुझे से क्या, और वैसे भी तेरी अम्मा कौन सा तेरे रिश्ता कराने वाली है जाहिद से, और ये जाहिद घास तक नहीं जाता तुझे। ओ हेलो, मरता है मुझ पे। मसला क्या, ये नहीं समझ आता कि दिल की बात जबान पे क्यों नहीं आती है। मेरी किस्मत में आया भी तो ऐसा नक्चर और डरपोक। इधर तो खुशफहमी में रहे, और वहाँ शमशाद खाला जाहिद का रिश्ता पक्का करा देंगी। अरे वो अपने लिए नहीं अपनी बहन के लिए बात कर रहा होगा। एक मिनट। क्या हुआ? अरे इसने तो महजबीन जी के साथ भी फ्रॉड किया था, ये पक्का जाहिद के साथ भी फ्रॉड ही करेगी। लेकिन मैंने तो सुना था कि महजबीन क्या सुना था तुमने? लोग तो बकवास करते हैं, मेरी महजबीन जी ऐसी बिल्कुल नहीं है। अरे महजबीन जी तो जानती भी नहीं थी सूफी के बच्चे को, यही लेके आई थी रिश्ता करवाने। और साजदा नायला को बचाना पड़ेगा। नायला कौन? रिपोर्ट जाहिद की बहन नायला, और कौन? साहिद से बात करनी पड़ेगी। अच्छा कर लेंगे बात, फिलहाल अंदर तो चल। अच्छा